नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग का सातवां T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के बीच में। दोस्तों, मुकाबला चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बैंगलोर की पिच पर खेला जाएगा 29 फरवरी को और 7:30 पर मैच स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी फैंटेसी टीम किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों कैप्टन लगा के चल सकते हैं, कौन से खिलाड़ी को वॉइस कैप्टन लगा के चल सकते हैं, बैंगलोर वुमेन्स की तरफ से कितने ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेंगे आज के मैच में, और दोस्तों दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की तरफ से कितने ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेंगे, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए यूनिक ग्रैंड लीग टीम का, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों एक स्मॉल लीग टीम का, तो ये पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। प्लस में दोस्तों, आज के मैच में फिर से आपको 4 ऐसे CVC ऑप्शन बताऊंगा जो आज के मैच में दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन और वॉइस कैप्टन लगभग वही 4 खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अभी तक दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली लगातार अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो कैसी है, उसके बाद दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड चेक करेंगे, रिसेंट मैचेस चेक करेंगे कि रिसेंट में दोस्तों कौन सी टीम क्या परफॉर्मेंस करके आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो पिच दोस्तों आपको बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर अभी तक 5 T20 के मैचेज खेले गए हैं और यहां पर दोस्तों जो सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 1 मुकाबला विन किया है और 5 के 5 मैचों में से दोस्तों चेस करने वाली टीम ने 4 मुकाबले इस पिच पर विन किए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करती है उसकी तरफ से दोस्तों इतने ज्यादा रन आपको देखने को नहीं मिलेंगे और यहां पर दोस्तों चेस करना थोड़ा सा आसान रहता है। अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो दोस्तों जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर 136 के करीब देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों इस पिच पर मुंबई इंडियंस वुमेन्स का है 173 रन। सबसे कम स्कोर दोस्तों गुजरात वुमेन्स का है ओनली 107 रन पे 7 विकेट। बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न के बारे में तो टोटल दोस्तों 5 T20 मुकाबलों में से 150 से नीचे ही 3 बार स्कोर देखने को मिला है। 150 170 के बीच में 1 बार स्कोर है, 170 190 के बीच में भी 1 बार स्कोर है। अगर बात करें बॉलिंग के बारे में लास्ट के 5 मुकाबलों के बारे में तो दोस्तों पेसर्स को 21 विकेट और स्पिनर्स को 34 विकेट अभी तक इस पिच पर मिली है, यानी कि दोस्तों स्पिनर्स को काफी अच्छी हेल्प होने वाली है। प्लस में दोस्तों पेसर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन एक ऐसी यूनिक खिलाड़ी है जो दोस्तों आज के मैच में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करने वाली है और उस खिलाड़ी का बहुत ही लो सिलेक्शन है। अगर पिछले मैच की बात करें, जो भी दोस्तों मैंने आपको 4 यूनिक कैप्टन वॉइस कैप्टन चॉइस बताए थे उसी में से ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन और वॉइस कैप्टन देखने को मिले थे। आज के मैच में दोस्तों फिर से बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, और अभी तक दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करके रखना। बात करेंगे रिसेंट मुकाबलों के बारे में जो अभी रिसेंट 2024 में इस पिच पर मैचेस खेले गए हैं। तो गुजरात वुमेन्स वर्सेस बैंगलोर वुमेन्स के बीच में मैच खेला गया, 6 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 2 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली। उसके बाद यूपी वुमेन्स और दिल्ली वुमेन्स के बीच में मैच खेला गया, 5 विकेट स्पिनर्स को, 5 विकेट दोस्तों पेसर्स को। उसके बाद गुजरात वुमेन्स और मुंबई वुमेन्स के बीच में मैच खेला गया, 7 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को मिली थी और 6 विकेट यहां पर पेसर्स को। उसके बाद बैंगलोर वुमेन्स वर्सेज यूपी वुमेन्स के बीच में मैच खेला गया, यहां पर दोस्तों स्पिनर्स ने 12 विकेट निकाली थी, 1 ही विकेट यहां पर पेसर्स को मिली थी। यानी कि दोस्तों रिसेंट के मैचों की बात करें तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं पेसर्स भी। अगर स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स भी दोस्तों इस पिच पर 5-6 विकेट आपको आराम से निकालते हुए नजर आ जाएंगे। अगर बात करें पेसर्स की तो पेसर्स की तरफ से दोस्तों 4-5 विकेट से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रीसेंट के 4 जो मैचेस खेले गए हैं उसमें एक बार भी दोस्तों पेसर्स ने 7 विकेट नहीं निकाली है। लगभग यहां पर 4 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट या फिर 1 विकेट पेसर्स के द्वारा देखने को मिल रही है। तो प्लस में दोस्तों स्पिनर्स बहुत ही बढ़िया च्वाइस होंगे कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए, वो भी बात करेंगे आगे दोस्तों कौन सा स्पिनर आज के मैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले हेड टू हेड के जो लास्ट के 2 मैचेज खेले गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बैंगलोर वुमेन्स की टीम ने दोस्तों हेड टू हेड में अभी तक कोई भी मुकाबला भी नहीं किया है। दिल्ली वुमेन्स की टीम ने दोस्तों हेड टू हेड में 2 के 2 मैचेस विन किए हैं और रिसेंट में दोस्तों
दिल्ली वुमेन्स की टीम मैच को विन करके आ रही है, और बैंगलोर वुमेन्स की टीम दोस्तों यहां पर कंटिन्यू दो मैचों को विन करके आ रही है। तीसरा मुकाबला होने वाला है बैंगलोर वुमेन्स का, देखते हैं दोस्तों इस मैच में किस प्रकार का परफॉर्मेंस होता है। लेकिन दोस्तों ऑलराउंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यूनिक ग्रैंड लीग टीम में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर जो फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों यहां से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। सोफी डिवाइन कंटिन्यू फ्लॉप चल रही है, उसके बाद दोस्तों मेघना रिसेंट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 2 के 2 मैचों में ड्रीम टीम में थी। उसके बाद दोस्तों रिचा घोष जो कि विकेट कीपर ऑप्शन में है, काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, विकेट कीपर में ओनली इसी खिलाड़ी का सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन है। तो यहां नीचे दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर को पिक करके चलना है, या फिर दोस्तों पाटिल इंपोर्टेंट है, और यहां से दोस्तों आपको आशा को ट्राई करके चलना है, या फिर से ये आज के मैच में फ्लॉप होगी। बात करेंगे फाइनली यहां पर सबसे पहले दोस्तों ओपनिंग बैट्समैन के हिसाब से रिसेंट में कौन से खिलाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले दोस्तों स्मृति मंदाना जो कि रिसेंट में 43 रन का परफॉर्मेंस किया, उसके बाद 13 रन, उसके बाद 29 रन, उसके बाद 23 रन, फिर दोस्तों 54 रन। हेड टू हेड में अभी तक इस खिलाड़ी ने 2 मुकाबले खेले थे पिछले सीजन, दोनों मैचों में 43 रन का परफॉर्मेंस था, 21 की एवरेज स्कोर से 2 मैचेस दोस्तों ग्राउंड पे 28 का एवरेज स्कोर है, 56 रन टोटल इसके नाम है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में दोस्तों 20 का एवरेज स्कोर है। लेकिन अभी के लिए दोस्तों मैं इस खिलाड़ी को फाइनली ड्रॉप करने वाला हूं यूनिक ग्रैंड लीग टीम से, क्योंकि चांसेस रहेंगे कि आपको सोफी यूनिक ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों ट्रंप प्लेयर देखने को मिले, क्योंकि रिसेंट के दोनों मैचों में ये खिलाड़ी फ्लॉप है। हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हुए हैं, 35 रन है 17 के एवरेज स्कोर से, ग्राउंड पे भी दोस्तों 2 मैचों में 7 रन है 3 के एवरेज स्कोर से। वुमेन्स प्रीमियर लीग में पिछला सीजन इस खिलाड़ी का बहुत ही जबरदस्त गया था, रिसेंट में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप है, 273 रन है 27 के एवरेज स्कोर से, प्लस में 3 विकेट इसके पास है। लेकिन दोस्तों आज के मैच में ट्रंप प्लेयर रहेगी, बहुत ही लो सिलेक्शन वाली खिलाड़ी है, और यहां पर दोस्तों मंदाना का बहुत ही हाई सिलेक्शन है, क्योंकि रिसेंट के यहां पर एक मैच में 43 रन का परफॉर्मेंस किया था, और फिर यहां पर एक मैच में 13 रन का परफॉर्मेंस है, और लगभग दोस्तों ये खिलाड़ी आपको ट्रंप प्लेयर में देखने को मिल सकती है, लो सिलेक्शन वाली खिलाड़ी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मेघना जो कि कंटिन्यू दोनों मैचों में इस खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है, एक मैच में 36 रन नाबाद बनाए, उसके बाद 53 रन। हेड टू हेड में दोस्तों अभी तक एक ही मैच खेला हुआ है जिसपे दोस्तों इस खिलाड़ी का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, 2 मैचेस दोस्तों ग्राउंड पे खेल चुकी है, 89 रन है 89 के एवरेज स्कोर से, 8 मैचेस वुमेन्स प्रीमियर लीग के, टोटल 170 रन 24 के एवरेज स्कोर से। उसके बाद दोस्तों एलिस पेरी रिसेंट में 23 रन नाबाद, उसके बाद 8 रन 0 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों 2 मैचों में 98 रन है, ग्राउंड पे 31 रन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग में 4 विकेट है, बैटिंग से दोस्तों 40 का एवरेज स्कोर है, टोटल 284 रन है। और यहां से दोस्तों दोनों खिलाड़ी इंपोर्टेंट है, दोनों खिलाड़ियों का हाई सिलेक्शन है, और दोस्तों एक दो यूनिक ग्रैंड लीग टीम में आप पैरी को वॉइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं बहुत ही रेयर चांसेस रहेंगे कि इस खिलाड़ी को वॉइस कैप्टन में ट्राई करके चलूं, क्योंकि रिसेंट में इसने जो जितने भी मैच खेले हुए हैं उसमें दोस्तों एक ही मैच में 1 विकेट निकाली है, बाकी लगभग इतना खास परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने नहीं किया हुआ। और अगर पिछले सीजन की बात करें तो बैटिंग से काफी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन बॉलिंग से दोस्तों टोटल 4 विकेट इस खिलाड़ी निकाली भी है। तो इस खिलाड़ी को अभी के लिए दोस्तों सीवीसी में ट्राई नहीं करने वाला, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को दोस्तों पिक जरूर करूंगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट है। फिर विकेट कीपर ऑप्शन में आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन रिचा घोष रहेगी, क्योंकि रिसेंट में दोस्तों यहां पर इस खिलाड़ी की बैटिंग नहीं, फिर 62 रन, उसके बाद 34 रन, फिर 23 रन, 19 रन, 96 रन। हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हुए हैं, 39 रन इसके पास है 19 के एवरेज स्कोर से, ग्राउंड पे दोस्तों 2 मैचेस खेल चुकी है, 62 रन है, और 10 मैचेस दोस्तों खेल रखे हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के, 26 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है, टोटल 200 रन है। और इस खिलाड़ी के लगभग बैटिंग अगर आती है तो ये खिलाड़ी आराम से आपको ड्रीम टीम में देखने को मिल जाएगी, और रिसेंट में दोस्तों जब भी इसको बैटिंग करने का मौका मिला है उस टाइम पे बहुत ही बढ़िया इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो यहां से जो नंबर 1 की यूनिक कैप्टन और यूनिक वॉइस कैप्टनसी में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वुमेन्स की तरफ से जो ग्रैंड लीग टीम के लिए जो सबसे यूनिक कैप्टन रहेगी वो दोस्तों सोफी को मैं लगाने वाला हूं। रिसेंट की बात करें तो 3 विकेट के साथ इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया था, पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था कि कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में बहुत ही बढ़िया चॉइस है। रिसेंट में दोस्तों 9 रन 1 विकेट, यहां पर 3 विकेट, 34 रन 2 विकेट, 11 रन 4 विकेट, 59 रन 1 विकेट। हेड टू हेड में पहला मुकाबला ग्राउंड पे दोस्तों 2 मैचेस खेल रखे हैं, 4 विकेट है, और 2 मुकाबले वुमेन्स प्रीमियर लीग में 4 विकेट के साथ परफॉर्मेंस है। लगभग दोस्तों मैंने इस खिलाड़ी को
तीन से चार टीमों में कैप्टन इसी खिलाड़ी को ट्राई किया हुआ था पिछले मैच में। और आज के मैच की बात करूं तो आज के मैच में भी दोस्तों लगभग चार से पांच यूनिक ग्रैंड लीग टीम में इसी खिलाड़ी को मैं कैप्टन और वॉइस कैप्टनसी में रिवर्स करूंगा, क्योंकि इस खिलाड़ी की बैटिंग भी आ सकती है, बैटिंग आएगी तो बैटिंग से भी 20-30 रन अगर निकालती है, प्लस में दोस्तों 2-3 विकेट अगर निकाल के लेके जाती है तो ये खिलाड़ी यूनिक सीवीसी में जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहां से जॉर्जिया जो कि रिसेंट में एक विकेट के साथ परफॉर्मेंस, फिर यहां पर एक विकेट, फिर यहां पर कंटिन्यू 2-3 मैचों में फ्लॉप है, फिर उसके बाद एक विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों एक मुकाबला खेला हुआ है 22 रन का परफॉर्मेंस और ग्राउंड पे 2 मैचों में 2 विकेट, वुमेन्स प्रीमियर लीग में 3 विकेट है टोटल 4 मैचों में। उसके बाद दोस्तों पाटिल रिसेंट में फ्लोप है, 8 रन नाबाद 0 विकेट, यहां पर फिर से 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट, यहां पर 2 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों एक ही मुकाबला खेला हुआ है जिसपे फ्लोप है, ग्राउंड पे भी दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी को विकेट नहीं मिली है, रिसेंट के दोनों मैचों में ये खिलाड़ी फ्लोप है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 6 विकेट निकाल चुकी है, 20 के एवरेज स्कोर से टोटल 70 रन है 9 मैचों में। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन से, यहां से आपको सिमरन जो कि रिसेंट के दोनों मैचों में बॉलिंग इस खिलाड़ी ने नहीं करवाई है, अभी के लिए दोस्तों इस खिलाड़ी को मैं फाइनल ड्रॉप करने वाला हूं। अगर पीछे के मैचों इस देखोगे तो एक मैच में 2 विकेट देखने को मिलेगी, बाकी रिसेंट में इस खिलाड़ी ने कंटिन्यू 3 मैचों में बॉलिंग नहीं करवाई है। और वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2 के 2 मैचों में बॉलिंग इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को नहीं मिली है। उसके बाद दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर रिसेंट में 2 विकेट, फिर यहां पर कंटिन्यू फ्लॉप है, फिर यहां पर 1 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों अभी तक इस खिलाड़ी को 1 भी विकेट नहीं मिली है 2 मैचों में, 2 मैचेस ग्राउंड पे 2 विकेट है, वुमेन्स प्रीमियर लीग में 3 विकेट निकाली हुई है टोटल 8 मैचों में। बहुत ही हाई सिलेक्शन मिलेगा आज के मैच में, क्योंकि 2 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली है, बहुत ही बढ़िया स्पेल करवाया था, लेकिन 1-2 ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों ट्राई करने वाला हूं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि इस खिलाड़ी को मैं सीवीसी में ट्राई करके। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आशा रिसेंट में यहां पर फ्लॉप है, फिर उसके बाद एक मैच में 5 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली थी, 2 मुकाबले हेड टू हेड में 2 विकेट है, ग्राउंड पे 5 विकेट है, 10 विकेट दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग में है। ये खिलाड़ी दोस्तों ट्रंप प्लेयर रहेगी, रिसेंट में लो सिलेक्शन है और चांसेस हैं कि लगभग 2 विकेट आपको जरूर निकाल के देगी। तो ये दोस्तों आपको फाइनली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वुमेन्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें इनके बेंच प्लेयरों की कि दोस्तों यहां से कौन सी खिलाड़ी फाइनल प्लेइंग 11 में अपडेट होती है, तो टोटल दोस्तों 6 खिलाड़ी हैं, इनमें से अगर कोई फाइनल अपडेट होगी वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से जो सेकंड टीम रहेगी उसका क्या परफॉर्मेंस है रिसेंट में, कौन से खिलाड़ी को कैप्टन लगा के चले, कौन से खिलाड़ी को वॉइस कैप्टन लगा के चले। ओपनिंग बैट्समैन में शैफाली वर्मा, मैग लैनिंग, उसके बाद दोस्तों एलिक कैप्सी, रोड्रिक्स मारिजैन कैप, फिर उसके बाद एनेबल जो, उसके बाद दोस्तों अरुण दत्त रेड्डी, फिर यहां पर मीनू, फिर भाटिया, फिर दोस्तों यहां पर राधा यादव, फिर पांडे। ये आपको फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की तरफ से। लेकिन दोस्तों यहां पर विकेट कीपर आपको भाटिया का देखने को मिलेगा, बहुत ही नीचे बैटिंग है और लगभग इस खिलाड़ी को मैं फाइनल अभी ही यहां से ड्रॉप करने वाला हूं। टोटल इन 10 खिलाड़ियों में से दोस्तों मैं फाइनल कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में 2 या 3 खिलाड़ी आपको यूनिक सीवीसी में देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं फाइनल प्लेइंग 11 प्लस में प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से खिलाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैग लैनिंग, दोनों मैचों में बहुत बढ़िया बैटिंग, 51 रन और 31 रन का परफॉर्मेंस। उसके बाद दोस्तों 64 रन, फिर 4 रन, फिर 30 रन, हेड टू हेड में 2 मैचों में 87 रन है 43 के एवरेज स्कोर से, ग्राउंड पे दोस्तों 82 रन है 2 मैचों में 41 के एवरेज स्कोर से, वुमेन्स प्रीमियर लीग में 47 का एवरेज स्कोर है, टोटल 427 रन है। वो इस कैप्टनशिप में ट्राई करके चल सकते हो और लगभग दोस्तों ट्रंप प्लेयर होगी रिसेंट में इस खिलाड़ी ने, दोनों मैचों में बहुत बढ़िया बैटिंग की है। उसके बाद दोस्तों शैफाली वर्मा रिसेंट में 64 रन नाबाद, फिर 1 रन 26 रन, 1 रन 64 रन नाबाद, हेड टू हेड में काफी अच्छी बैटिंग है, 2 मैचों में दोस्तों 84 रन है 42 के एवरेज स्कोर से, 2 मैचेज ग्राउंड पे 65 रन टोटल इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं, 31 का एवरेज स्कोर, वुमेन्स प्रीमियर लीग में है, आज के मैच में हाई सिलेक्शन है। लेकिन दोस्तों यहां से एक मैच में परफॉर्मेंस, एक मैच में फ्लोप, एक मैच में परफॉर्मेंस, एक मैच में फ्लोप है, तो आज के मैच में इसने परफॉर्मेंस किया है तो शायद आज के मैच में दोस्तों आपको फ्लोप होती हुई नजर आएगी। तो अभी के लिए मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाला हूं, जो कि थोड़ा सा हाई रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एलिक कैप्सी, जो कि रिसेंट में इस खिलाड़ी ने बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं करवाई, उसके बाद पहले वाले मैच
मैच में 75 रन प्लस में 2 विकेट, फिर 7 रन 0 विकेट, 25 रन 0 रन 0 रन। हेड टू हेड में दो मैचों में दोस्तों 38 रन है, 38 के एवरेज स्कोर से प्लस में 2 विकेट भी निकाल रखी है। हेड टू हेड में ग्राउंड की बात करें तो टोटल 75 रन है, प्लस में 2 विकेट है। वुमेन्स प्रीमियम लीग में दोस्तों 8 विकेट निकाल चुकी है, 32 के एवरेज स्कोर से 234 रन इस खिलाड़ी के पास है, और इस खिलाड़ी का हाई सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। सीवीसी की बात करें या फिर दोस्तों वैसे इस खिलाड़ी का फैंटेसी में सबसे हाई सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों रोड्रिक्स जो कि रिसेंट में 4 रन नाबाद, फिर यहां पर 42 रन, फिर 2 रन, फिर 13 रन, 6 रन नाबाद। हेड टू हेड में दोस्तों 2 मैचेस 54 रन इसके पास है, ग्राउंड पे दोस्तों 46 रन है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 27 का एवरेज स्कोर है, टोटल 172 रन है। ट्रंप प्लेयर होगी दोस्तों आज के मैच में, और इस खिलाड़ी की लगभग बहुत ही हाई चांसेस हैं कि ये खिलाड़ी आपको बैटिंग करते हुए लगभग नजर आएगी, तो चांसेस हैं कि आपको यूनिक ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों ट्रंप प्लेयर देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी को मैं जरूर पिक करने वाला हूं आज की फाइनल फैंटेसी टीम में, क्योंकि इस खिलाड़ी का बहुत ही लो सिलेक्शन है। उसके बाद दोस्तों यहां से मारी जैन का प्रीसेंट में 3 विकेट, फिर 16 रन 1 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट, 75 रन 3 विकेट, 50 रन नाबाद। हेड टू हेड में दोस्तों 2 मैचों में 0 विकेट है, ग्राउंड पे 4 विकेट निकाल चुकी है, टोटल 2 मैचों में 11 मैचेस दोस्तों खेले हुए हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 13 विकेट निकाली हुई है, बैटिंग से 41 का एवरेज स्कोर है, टोटल 193 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। इस खिलाड़ी को दोस्तों यूनिक कैप्टन वॉइस कैप्टन में जरूर ट्राई करके चलना, बहुत ही हाई सिलेक्शन वाली खिलाड़ी है, और लगभग चांसेस हैं कि ये खिलाड़ी की आज के मैच में बैटिंग भी देखने को मिलेगी, प्लस में बॉलिंग से भी दोस्तों आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकती है। उसके बाद एनेबल रिसेंट में 1 विकेट 1 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट, 18 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट। उसके बाद दोस्तों 1 विकेट 1 मैच हेड टू हेड में 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस, ग्राउंड पे 2 मैचों में 1 विकेट है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 4 विकेट टोटल इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, टोटल 6 मैचों में 8 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, और आज के मैच में दोस्तों लगभग मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप भी करके चल सकता हूं। उसके बाद बात करेंगे अरुंधति रेड्डी जो कि रिसेंट के दोनों मैचों में इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया है, 2 मैचेस हेड टू हेड में जिसमें दोस्तों इस खिलाड़ी ने बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं है, और ग्राउंड पे 3 विकेट है। 9 मैचेस वुमेन्स प्रीमियर लीग के 5 विकेट इस खिलाड़ी ने टोटल निकाली हुई है। उसके बाद दोस्तों यहां से मनी मीनू जो कि रिसेंट में फ्लॉप है, फिर यहां पर बॉलिंग नहीं, उसके बाद 8 रन 2 विकेट, 14 रन 2 विकेट, 2 रन 1 विकेट। हेड टू हेड में पहला मुकाबला, वेन्यू पे दोस्तों 2 मैचों में 0 विकेट है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 5 मैचों में अभी तक इस खिलाड़ी को 1 भी विकेट नहीं मिली हुई है, तो यहां से दोस्तों अगर ट्राई करना चाहते हो तो अरुंधति रेड्डी के साथ जा सकते हो। मनी मीनू को फाइनली अभी के लिए मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, क्योंकि लो सिलेक्शन वाली खिलाड़ी है, क्योंकि रिसेंट में इस खिलाड़ी को 1 मैच में बॉलिंग करवा रहे हैं, 1 मैच में नहीं करवा रहे, तो शायद आज के मैच में बहुत कम चांसेस हैं कि ये खिलाड़ी आपको बॉलिंग करवाती हुई नजर आए। उसके बाद दोस्तों तानिया भाटिया जो कि रिसेंट में इस खिलाड़ी की भी बैटिंग देखने को नहीं मिल रही है, और अभी के लिए दोस्तों ये खिलाड़ी फाइनली विकेट कीपर ऑप्शन से ड्रॉप रहेगी। इसकी जगह जो पिक करके चल सकते हो रिचा घोष काफी अच्छी चॉइस रहेगी। अब बात करेंगे राधा यादव जो कि रिसेंट में 4 विकेट निकाल के गई, फिर यहां पर 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों 2 मैचों में 0 विकेट है, ग्राउंड पे 4 विकेट है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 8 विकेट टोटल इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है टोटल 11 मैचों पे, और हर मैच में बॉलिंग भी करवा रही है, तो चांसेस हैं कि दोस्तों 1 से 2 विकेट जरूर लेके जाएगी, और इस खिलाड़ी का आज के मैच में वॉइस कैप्टनसी में हाई सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इसको पिक करने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों शिखा पांडे जो कि रिसेंट में फ्लॉप चल रही है, उसके बाद 1 विकेट, फिर कंटिन्यू 2 मैचों में फ्लॉप है, फिर यहां पर 2 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैचों में 4 विकेट है, ग्राउंड पे 1 विकेट है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 11 विकेट निकाल चुकी है टोटल 11 मैचों में, और ये खिलाड़ी आज के मैच में 101% ये खिलाड़ी आपको ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस खिलाड़ी का दोस्तों अब बहुत ही लो सिलेक्शन है। पिछला सीजन इस खिलाड़ी का बहुत ही बढ़िया गया था, लेकिन रिसेंट में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, चांसेस हैं कि आपको ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेगी, और इस खिलाड़ी का दोस्तों मैं आज के मैच में हर यूनिक ग्रैंड लीग टीम में पिक करने वाला हूँ। बात करेंगे अब फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों से, पहले दोस्तों बेंच प्लेयरों की एक बार बात कर लेते हैं। यहां से जेस जॉनसन खेलती है तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगी, टोटल 6 खिलाड़ी यहां से आपको देखने को मिलेंगी। कोई भी फाइनली प्लेइंग 11 में अपडेट होती है वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ से टोटल आपको जो हाई सिलेक्शन के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे 8 टोटल खिलाड़ी
है। यहां से दोस्तों स्मृति मंदाना, मेघना एलिस पैरी, उसके बाद रिचा घोष, मैग लैनिंग, सैफाली वर्मा, एलिक कैप्सी, मारिजेन कैप, ये दोस्तों हाई सिलेक्शन वाली टोटल 8 खिलाड़ी है। अगर आज की जो मेरी फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहां से जो मैंने कैप्टन ट्राई किया हुआ है, सोफी को कैप्टन, एलिक कैप्सी को वॉइस कैप्टन, यहां से दोस्तों मारिजेन को भी वॉइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो, मैग लैनिंग और रोड्रिक्स, यहां से दोस्तों सैफाली वर्मा, यहां से इस खिलाड़ी को ड्रॉप करूंगा, इसकी जगह मेघना पिक करने वाला हूं। यहां से दोनों खिलाड़ी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जॉर्जिया है, जॉर्जिया की जगह दोस्तों आप यहां पर पांडे को भी ट्राई करके चल सकते हो, एक ऑलराउंडर ओ पिक करके चल सकते हो, सोफी जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में आज के मैच में ट्रंप प्लेयर होगी। तो ये दोस्तों आज की फाइनल फैंटेसी टीम आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाले लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।